हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज आपको दर्शन करवाने वाले हैं गुरुद्वारा श्री मेहदियाना साहब, जो कि जगराओं से अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर आगे पड़ता है रायकोट सड़क से। तो इस समय मैं हूँ गुरुद्वारा श्री मेहदियाना साहब के यहाँ पहुँच चुका हूँ। तो अभी आपको बाहर से व्यू दिखाने वाला हूँ, फिर चलते हैं अंदर। ये गुरुद्वारा साहब का साइड का व्यू, गुरुद्वारा श्री मेहदियाना साहब। ये अगल बगल खेतों का व्यू, सामने ये रोड दिखाई दे रही है। इस रोड से इस तरफ सामने आने पर गुरुद्वारा साहब का फ्रंट साइड का व्यू, जो कि मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। तो ये सामने फ्रंट साइड का व्यू, सामने है गेट जिससे एंटर होके अब हम जाएंगे अंदर। इस समय हूँ गुरुद्वारा श्री मेहदियाना साहब के मुख्य द्वार के पास। तो जा रहे हैं अब अंदर की ओर। सामने एंट्री पॉइंट के साथ ही ये बनी हुई मूर्तियों का व्यू, तो मूर्तियों के व्यू के साथ ही साइड में निशान साहब दिखाई देता है, जिसका व्यू मैं अंदर जाके आपको सामने से दिखाने वाला हूँ। ये है गुरुद्वारा साहब के इतिहास का बोर्ड। तो गुरुद्वारा साहब के मुख्य भवन के सामने ही ये इतिहास का बोर्ड है, जो कि आप देख सकते हो, स्क्रीन शॉट लेके पढ़ भी सकते हो। तो इस गुरुद्वारा से संबंधित ये इतिहास है, जब गुरु साहब यहाँ पे पधारे थे, दशम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी। ये है गुरु गोविंद सिंह मार्ग आनंदपुर साहब से तलवंडी साबो तक का गुरुद्वारा मेहदियाना साहब पातशाही दसवीं, जो कि पंजाबी में है लिखा हुआ। तो ये एक मैप बन रखा है, तो मैप के साथ ही महाराजा दिलीप सिंह का ये बुत बना हुआ है, जिसके नीचे ये पंजाबी में इतिहास लिखा हुआ है। तो मूर्ति के इस भाग से गुरुद्वारा साहब का साइड का व्यू ऐसा दिखाई देता है। ये ऊपरी गुंबद का दृश्य भी यहाँ से बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। भाई सुबेक सिंह और शाहबाज सिंह, जिनको चरखड़ियों में रुई की तरह पीकर जिनका बलिदान दिया गया, तो ये भाई सुबेक सिंह और शाहबाज सिंह के बलिदान को दर्शाती मूर्तियाँ। निशान साहब का व्यू आपको दिखा रहा हूँ। तो इस निशान साहब के साथ लगभग ये सभी तरफ गुरुद्वारा साहब के मुख्य द्वार जाने से, एंटर करने से पहले, जैसे ही हम एंटर होते हैं अंदर की तरफ, तो ये चारों तरफ मूर्तियों का नज़ारा है, जो कि सिख इतिहास को दर्शाने के लिए बनाई गई है। ये है शहीद भाई तारू सिंह जल्लाद सामने खड़ा हुआ मूर्ति में, जो कि खोपड़ी से ये निकाल दिया गया, ऊपर के बालों सहित चमड़ी को निकाल दिया गया। तो ये है भाई तारू सिंह की मूर्ति। तो ये है भाई महताब सिंह की मूर्ति। तो ये लिख रखा है नीचे पंजाबी में, सरदार सुखा सिंह माड़ी कंबोकी वाला। तो ये भी एक पंजाबी शूरवीर योद्धा की मूर्ति लगी हुई है। तो ये जो सामने आप देख रहे हो, ये बाबा बंदा सिंह बहादुर की मूर्ति बनी हुई है, जो कि ये जल्लाद देख रहे हो, जो कि जल्लाद उनका चमड़ा खींच रहे हैं। और सामने है बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का पुत्र, जिनका कलेजा चीर कर उनके मुंह में डाला गया है। ये है उस इतिहास को दर्शाती हुई मूर्तियाँ। ये सामने मूर्ति है सिख इतिहास के महान जरनैल हरि सिंह नलुआ जी की मूर्ति। ये है सरदार बघेल सिंह जी, जो कि सिख योद्धा की मूर्ति है। जो ये सामने है सिख महान जरनैल और महान शूरवीर योद्धा शहीद बाबा दीप सिंह जी की मूर्ति, और ये उनके बारे में इतिहास बताता है बोर्ड।
तो सिख महान शूरवीर योद्धा जो बाबा दीप सिंह जी थे, जिन्होंने एक हाथ में अपने कटे हुए सिर से युद्ध करके वीरता से मुगल सेना के सेनापति का सिर काट कर विजय प्राप्त की। तो इस साइड है बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की मूर्ति। साइड सामने लगी है महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति। बाबा बंदा बहादुर सिंह जी की मूर्ति का इस साइड का व्यू ऐसा है। तो इस साइड में अब शाम का टाइम हो रहा है ज्यों ज्यों, तो उसी तरह संगत गुरुद्वारा साहब में आ रही है। और जैसे जैसे संगत आ रही है तो सबसे पहले या कुछ बाद में, तो जैसे जैसे उनको अच्छा लगता है वैसे ही आते हैं, और या तो सीधा मुख्य दरबार हाल में जाते हैं, और अगर दरबार हाल के बाद में गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करने के बाद में वो फिर इन मूर्तियों का दीदार करने आते हैं जो कि सिख इतिहास को दर्शाती हैं। तो इस साइड में भी सिख इतिहास को दर्शाती ये मूर्तियाँ जो कि देख सकते हो। ये सामने देख सकते हो माओं के गले में बच्चों के शरीर के टुकड़े करके उनके गले में डाल दिए हार बना के। तो सिख इतिहास में सिंहों और सिंहनियों के द्वारा जो बलिदान किए गए हैं, महान बलिदानों की गाथा को व्यक्त करती हुई ये सजीव चित्रण करती सामने दिखाई देती मूर्तियाँ। तो ये जो सामने लगी मूर्ति देख सकते हो ये शहीद भाई मनी सिंह जी की है, तो जिनके ये हाथ काटते हुए जल्लाद की मूर्ति, और पीछे काजी जो कि सजा सुना रहा है हाथ काट जाने की। तो इस तरफ है जकरिया खान जो कि सिंहों के सिरों का मोल दे रहा है, जो जो भी सिंहों का सिर लेके आएगा उसका मोल दिया जा रहा है ये मूर्तियां दर्शाती हुई। तो ये सामने सरदार जी कोई आर्टिस्ट पेंटर हैं जो कि रंग रोगन कर रहे हैं मूर्तियों को, जिन मूर्तियों का रंग रोग उड़ा हुआ है। रंग रोग भी कर रहे हो मूर्तियां बनिया भी कुछ नमियां जिमें रंग उड़ रहा है मीह धुप बरसात करके अच्छा नाल नाल हुंदा रहिंदा ठीक है। मैं तदे मैं यार मैं पूछ लिए भाई अच्छा तुम गुरुद्वारा साहब वालों के उदा बाहरों उदा ही आके कर दो गुरुद्वारा साहब वालों यानी कि बाहरों बुलाया जाता करने वास्ते आर्टिस्ट अच्छा अच्छा मैं समझ मैं शायद ये बाहर बुलाए होने ठीक है जी। भाई नाम की है हरजिंदर सिंह ठीक है जी धन्यवाद जी। तो ये थे सरदार हरजिंदर सिंह जी जो मूर्तियों को पेंट कर रहे थे। अब चलते हैं अगली मूर्तियों की तरफ। इस साइड में महंत कृपाल दास जी का वो युद्ध का दृश्य कई मूर्तियां हैं, जिसमें लिखा हुआ है महंत कृपाल दास जी युद्ध के मैदान में। तो इस साइड में आते हैं तो इस साइड में युद्ध के दृश्य दर्शाती कुछ मूर्तियां। तो यहाँ पंजाबी में नीचे कुछ लिख रखा है इन्हीं मूर्तियों के इतिहास से संबंधित, बिल्कुल ऐसे जैसे रियल लाइव युद्ध का दृश्य दिखाई दे रहा है। अब दूसरी साइड से जाके देखते हैं। तो इधर है भाई शहीद मती दास जी की मूर्ति। ये है शहीद भाई मती दास जिनको आरों से चीर के शहीद किया गया। ये भाई महा सिंह जी की मूर्ति है जो कि आप देख सकते हो। तो नीचे ये पंजाबी में लिख रखा है। तो ये युद्ध का दृश्य बयां करती मूर्तियाँ। तो इस साइड में ये जेल नुमा हॉल बना रखा है। ये सिख इतिहास की मूर्तियों को यहाँ लिखा हुआ माथा टेकना मना है, इसके बारे में मैं आपसे अभी बात करूँगा। तो फिलहाल ये मैं यहाँ का व्यू दिखा दूँ
शहीद भगत सिंह जी जेल के अंदर का भी हूँ। हाँ तो गाइस, मैं आपसे बात कर रहा था, जो बोर्ड लग रखा था तो उस बोर्ड के बारे में। ये बोर्ड के बारे में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सिख इतिहास की मूर्तियाँ मत्था टेकना मना है जी। यानी कि इसका मतलब है सिख इतिहास में जो भी मूर्तियाँ उनको माथा टेकना मना है। तो इसी बात के बारे में मैं आपको बोलने वाला था कि मैं आपको अभी बताता हूँ। तो मुख्य बात यही है, ये सिख इतिहास के बारे में दर्शाने के लिए मूर्तियाँ बनाई गई है, ना कि पूजा पाठ के लिए। क्योंकि सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहब को सबसे ऊपर माना गया है, तो इसलिए गुरु ग्रंथ साहब की पूजा की जाती है, गुरु ग्रंथ साहब को ही माना जाता है। तो ये सिर्फ मूर्तियां हैं इतिहास को दर्शाने के लिए, ना कि पूजा पाठ के लिए। इसीलिए बाकायदा वहाँ पे बोर्ड भी लगाया हुआ था ताकि मूर्तियों को माथा ना टेका जाए। ये सिर्फ इतिहास को जानने के लिए बनाई गई मूर्तियां हैं। इस मूर्ति का दृश्य आपको दिखाने वाले हैं। तो ये मूर्ति का दृश्य आप देख सकते हो, नीचे ये पंजाबी में लिख रखा है। ये भाई जय सिंह जी की मूर्ति है, जो कि पेड़ से देख सकते हो लटका रखी है। तो सामने काजी और जल्लाद हैं, तो जो कि उनका शरीर से चमड़ा उतारा जा रहा है। इस साइड में है पीर बुद्धू शाह जी की मूर्ति बनाई गई है। नीचे है पंजाबी में लिखा गया। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये भाई दयाला जी की मूर्ति है, साथ में ये मुगलों की मूर्तियां बना रखी हैं। तो भाई दयाला जी, जो कि गर्म पानी की देग के अंदर जिनको डाला गया है। सामने है ये अब साईं मियां मीर जी की मूर्ति, जो कि सूफी जम के बहुत बड़े पीर माने गए। श्री गुरु अर्जन देव जी ने साईं मियां मीर के पास से श्री हरिमंदर साहब की नींव रखवाई थी। तो अब हम चलते हैं, जो रह गई है मूर्तियां थोड़ा सा उनको देख ले, फिर चलेंगे मुख्य भवन की तरफ, यानी मुख्य द्वार की तरफ, गुरुद्वारा साहब के गुरुद्वारा मेहदियाना साहब। तो अब हम आए इस साइड में देखते हैं इन मूर्तियों को, और नीचे लिखा हुआ इतिहास पढ़ते हैं थोड़ा सा। केड़ी जगह दस है तुसी? की नाम है थोड़ा? अनमोल प्रीत। पिहोवा से चले कल? हाँ जी। कल चले कितने बजे? आज ही चले। कितने बजे चले सी? आज चले सी 7-8 बजे। अच्छा, 7-8 बजे सिर्फ इस गुरुद्वारा साहब तक? हाँ जी, भी और गुरुद्वारे भी जाना है जी, भी पहला इत्थे आया। अच्छा, पिंड वालों सारे आए गए, अपना लग किदा? ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹ ਪੇਵੇ ਨੇੜੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਸੰਗਤ ਟਰੱਕ ਚਾਹੀਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਆਤੇ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਮੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕਾ इस साइड में है माता गुजरी जी की मूर्ति, और साथ में मोती मेहरा। तो इस साइड में है गुरु साहिब के छोटे साहबजादे, जो कि दीवार में चिने जा रहे हैं, उसका व्यू। तो इस साइड का व्यू कुछ ऐसा दिखाई देता है। इधर बुर्ज में गुरु साहिब के छोटे साहबजादे और साहबजादों को सूबेदार की कचहरी में पेश करने के लिए ले जाने का दृश्य। तो इस साइड में ये वही लिखा हुआ है पंजाबी में, छोटे साहबजादों को ठंडे बुर्ज से कचहरी की तरफ ले जाते हुए। तो गाइस, मूर्तियों के इस साइड से गुरुद्वारा साहब का मुख्य द्वार का व्यू ऐसा दिखाई दे रहा है, जो कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है। तो ये गुरुद्वारा साहब के साइड का, इस साइड का व्यू। तो इस साइड में बनी हुई मूर्तियां। अब चलते हैं गुरुद्वारा साहब के सरोवर की तरफ, जो कि पवित्र सरोवर दूसरी साइड में बना हुआ है।
गुरुद्वारा मेहदियाना साहब का ये मुख्य द्वार का भाग और मुख्य द्वार के साथ ये साइड के भाग गुंबद का ऊपर दृश्य और ऊपरी दृश्य के साथ में ये साइड का दृश्य। ये साइड स्थान की तरफ बना हुआ पवित्र सरोवर, तो पवित्र सरोवर के बाद बढ़ते हैं आगे की ओर। सरोवर की साइड में देखते हैं ये पेड़ के नीचे लगा हुआ सरोवर की साइड में ये बोर्ड जो कि पंजाबी में लिखा गया है। वाहे गुरु, 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 वाहे। तो हिंदी में बात कर सकते हो? थोड़ी बहुत तो आती होगी। अच्छा, तो आप बुकिंग पे आए हो संगत के साथ? तो हमारी टैक्सी गाड़ी है। अच्छा, तो हमारी गाड़ी करता है, उसके साथ आते हैं। किस साइड से आए आप? हम नकोदर से। नकोदर से, क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम विजय है। विजय, शुक्रिया। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये ड्राइवर भाई साहब। तो इसी तरह हम मिले थे, तो यहाँ पे कहने का मतलब गुरुद्वारा मेहदियाना साहब जो कि 10वीं पातशाही के इतिहास से संबंधित है, तो इस तरह यहाँ पे देश विदेश से लेके लोकल पंजाबी तक भी भारी संख्या में आते हैं। लेकिन ये भाई साहब थोड़ा सा हिंदी बोल नहीं पाते, समझ तो लेते हैं, तो इसलिए इनसे पूछा, तो ये भी संगत लेके आ रखे थे। तो शुक्रिया जी, चलते हैं अब आगे की ओर। तो गाइस, ये था गुरुद्वारा श्री मेहदियाना साहब का व्यू। तो दर्शन कर लिए हैं, तो आज का वीडियो करते हैं समाप्त। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।